सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज की हमारी चर्चा चलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी आज हमारा छठवां भाग है। तीसरा भाग है, छठवा भाग है। आज हम लोग सबसे पहले चलेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी, यानी इनकी क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए एक फिगर के माध्यम से ड्रा करते हैं इनको। देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का अर्थ होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अर्थात या इनको हम लोग कभी कभी वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस क्षेत्र में परिणामी जो उस क्षेत्र में परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। इसकी डिफिनेशन बहुत ही सरल है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। वो क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो वहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को व्यक्त करती हैं। क्या करती हैं? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। तब हम लोग पढ़े व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। What are the properties in electric field line? आइए चर्चा करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो प्यारे विद्यार्थियों, इन रेखाओं का सबसे पहला गुण यह है, ये रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या होती हैं? ये रेखाएं सदैव
धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये रेखाएं सदैव क्या होती हैं? धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी क्वालिटी इनकी यह है कि ये रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। क्या होती हैं? ये रेखाएं एक खुला वक्र। अभी हम लोगों ने फिगर बनाया तो उसमें आपने देखा कि ये क्या करती है, चारों तरफ से खुला होता है। इधर भी खुला, इधर भी खुला, इधर भी खुला, इधर भी खुला। ठीक, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कभी कभी मन में एक बात आती है कि अगर आवेश एकल है, क्या है? एकल आवेश है। क्या है? एकल आवेश है, यानी सिंगल आवेश है, तो ये कहां से चलेंगी और कहां पर समाप्त होंगी? तब ये धनावेश से चलकर, तब ये धनावेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती है। कहां पर समाप्त होती है? अनंत पर समाप्त होती है। ये नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, ये क्या होती है? एक खुला वक्र होती है। ये रेखाएं क्या होती हैं? एक खुला वक्र होती हैं। इनकी तीसरी क्वालिटी है, इनकी तीसरी क्वालिटी यह है, यानी तीसरा गुण है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं कभी भी क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चौथी बात इनकी यह है, चौथी बात यह है कि ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती। ये रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है। पहली क्वालिटी पढ़ ली है, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, चौथी पढ़ा। ये रेखाएं कभी भी किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। अब इनकी पांचवी क्वालिटी यह है, पांचवी क्वालिटी क्या है? चार तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, उसके बाद पांचवा करते हैं हम लोग, पांचवा लिखेंगे आप, चार आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इनकी पांचवी क्वालिटी है, ये रेखाएं क्या लिखा है? ये रेखाएं किसी खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति, खींची हुई लचकदार डोरी अर्थात प्रत्यास्थ डोरी, ये रेखाएं किसी खिंची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति
रखती है। ये पांच क्वालिटियां हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। उम्मीद है ये पांचों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपनी अगली चर्चा शुरू करते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या चर्चा करने वाले हैं अब हम लोग? वैद्युत फ्लक्स। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आइए हम लोग एक फिगर से समझते हैं इसको। तो ये फिगर आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए ये हमारा कोई क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी वैद्युत क्षेत्र है। यहां से हमारे पास यहां से क्या गुजर रही है? क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो आप सीधे समझिए कि वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली किसी वैद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही, अर्थात जो चुंबकीय जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन में मैंने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम फाई। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए। क्या होता है? ई इंटू डेल ए। ई क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेल ए क्या है? डेल ए का मतलब होता है एफ आर एरिया। एफ आर क्या होता है? एरिया। यानी फ्लक्स बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्र रेखाएं, अगर ये क्षेत्र रेखाएं यहां से थीटा एंगल का कोण बना रही हैं, कितने एंगल का कोण बना रही है? थीटा एंगल का कोण बना रही हो, तब ये फार्मूला हमारा बनता है फाई बराबर ई इंटू डेल ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई बराबर हमारा क्या होता है? ई इंटू डेल ए कॉस थीटा। ठीक, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये दो फार्मूले आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। फाई बराबर क्या होता है? ए इंटू डेल ए। कब? जब ये एक लंबवत गुजर रही होती है, उसके बाद ये थीटा एंगल का कोण अगर बना रही है तो थीटा एंगल का कोण बनाने पर ये कितना, यहां क्या बन जाएगा? फाई बराबर ए इंटू डेल ए कॉस थीटा। पहले विद्यार्थियों इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, फिर उसके बाद नोट कर लें। उसके बाद हम लोग इस अगली चर्चा करेंगे इसके बीमा पर, बीमा और मात्रक पर। किस पर करेंगे? बीमा और मात्रक पर करेंगे। चलिए इसकी बीमा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका मात्रक। आपको पता है फाई बराबर होता है ई इंटू डेल ए। ई क्या होता है? ई क्या होता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ए का मात्रक क्या होता है? ए का ए मतलब एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। अर्थात इसका हमारा बनेगा न्यूटन इंटू कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? न्यूटन इंटू कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर।
इसका हमारा एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक और होता है हमारे पास वोल्ट इंटू मीटर। ये दो मात्रक है इसकी। और उसके बाद रही इसकी बीमा निकालने की बात, तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी बीमा कैसे निकाली जाती है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या है? बल। बल की बीमा आपको पता है, कूलाम की बीमा हम लोग इसके लेक्चर में बता चुके हैं। ये क्या है? मीटर है, अर्थात लंबाई है। लंबाई की बीमा भी आपको पता है। इसको सारी वैल्यू उठा के अगर आप हल कर देंगे तब इसकी बीमा निकल कर आएगी। यम क्या बीमा निकल कर आएगी? यम एल क्यूब पी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन। क्या बीमा निकल कर आएगी? यम एल क्यूब पी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन, यही इसकी बीमा निकल कर आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।